अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और मुझे पता है बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल है, क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आता मैं क्या ब्लॉग डालूँ। भाई डेली लाइफ में तो भाई होता है कि डेली लाइफ कितना दिखाए बनना, कहीं बाहर घूमना भी नहीं हो रहा। और पता है आपको ऐसे भी कि मार्च में पेपर है तो पढ़ना है भाई, 8th क्लास में तो भाई बोर्ड आएगा अगले साल, तो और मेहनत करनी होती है, तो इसलिए नहीं अभी बिल्कुल भी। तो मैं सोचा आज मैं जाना शादी में, तो अभी मैं 8:30 बजे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मम्मा का फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा था। मम्मा का फ़ोन चार्ज होगा तभी तो मैं ब्लॉग डालूंगी ना, मम्मा का फ़ोन चार्ज नहीं होता। अब जब के जाके चार्ज हुआ है तो मैंने ब्लॉग बनाया है, शुरू किया है अपना। तो देखो गाइस, आज का ब्लॉग मैं इसमें बना रही हूँ। तो आज मैं पहनूंगी अपनी वही वाली वाइट वाली मैक्सी दोबारा से, क्योंकि यार वो मुझे अच्छी लगी। तो दूसरी बात ये है वो सिंपल है, मेरे पास जो बाकी जो ड्रेस थे बाकी इतने फेमस नहीं थे, थोड़े से डार्क। तो मेरे करीबी रिश्तेदार की शादी भी नहीं है, इतनी करीबी नहीं है, बाबा के रिश्तेदार हैं वो, तो इसलिए करीबी नहीं है। तो इसलिए हम सिंपल ड्रेस पहनेंगे, इतना वो भी नहीं करेंगे। फिर यार देखो, जब करीबी रिश्तेदार की शादी नहीं होती ना तो मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, और जब ज़्यादा करीबी रिश्तेदार की होती है तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि मैं तैयार होकर आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैं हो गई हूँ रेडी, अभी मैं जा रही हूँ नीचे। देखिए हमने क्या जुगाड़ ली, प्लांट से पौधे डाल दिए, अब मैं जा रही नीचे। मैं तो बैठी हुई, मैं आपको फुल अभी आने नहीं सकती हूँ, क्या बहुत लेट हो चुके हैं। 10:30 बज रहा है, बट टाइम रुके भी नहीं। मम्मा का वेट करी, मम्मा आएंगी तो मैं जाऊँगी। मम्मा आ गई, आने नहीं सकते हैं। मैंने ना फ़ोन मिल के चार्जिंग पर लगाया पावर बैंक से, अभी चलते हैं। और अगर मैं वहाँ दिखा सकी तो मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊँ। गाइस मैं अभी यहाँ पर पहुँच गई थी अपने वेन्यू पर, और मैं आपको दिखा रही थी आपकी लोकेशन ज़रा क्या सेटिंग हुई हुई है। यहाँ पे कॉफ़ी भी थी, खाना बहुत अच्छा था और गाना चले थे, इसलिए मैं ऊपर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और मैं अपने पोज मारते हुए आप बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं वेट कर रही थी यार, कब मुझे भूख लगी थी बहुत, मैं कब से जा रही थी, मेरा खाना कब खुलेगा, और मैं वेट करे जा रही थी मैं जब से ही तब से वेट कर रही थी। और खाना गाइस बहुत देर बात कर रहा था, फिर हम 11:30 बजे घर आ गए थे। और मैं यहाँ पे गाने के लिए लिपसिंग कर रही हूँ, कि यहाँ पे जो गाना चलता है वो मुझे सारा देते, और मेरे कज़न जो है मुझे देख के ऐसे जो बोलते हर गाना रटा हुआ इसको, इतनी हंसी आई थी मुझे ये देखे। मैं एक्शन भी करती हूँ गाने के साथ, सिर्फ गाना नहीं गाती मैं गाने साथ एक्शन भी करती हूँ। आपको लगा था मैं सिर्फ गाना नहीं गाती, मैं एक्शन सब करती हूँ। देखें मैं कल पागल एक नंबर की। अब देखें फिर मैं लिपसिंग कर जा रही हूँ, मुझे व्लॉग में कुछ बोला नहीं, मैं लिपसिंग कर जा रही हूँ। और यहाँ पे पीछे अंकल ने मुझे एक बार देखा था, कह देख के करें, देख के सोच रहे होंगे कर क्या रही है ये, अजीब है ना, मुझे भी अजीब लगता है ऑकवर्ड। और देखे अब मिलने, अब मैं अपने थोड़े पोज मारते हुए, क्योंकि यार मैंने सोच रहा था मुझे, मैंने स्नैपचैट से बनाया शुरू करा, मैं कहा स्नैपचैट से मैं तो फिल्टर भी लगाना ज़रूरी है यार। गाइस मैं कब से ये सोच रही थी खाना कब लगेगा, क्योंकि भाई ना खाने की ना हम 9:30 बजे गए थे, और ना कोई खाने की अरेंजमेंट थे, ना सारे वेटर घूमे जा रहे थे। और सामने एसी लगा था, मुझे बहुत नगर थी, और ना किसी बहाने से मैं अपने भाई को ले आई अपने व्लॉग में। गई मैं इतना कैमरे के अंदर घुस के बोल रही कि मैं सोची मेरी आवाज़ आएगी नहीं आएगी, इसलिए मैं इतना घुस गई थी कैमरे के अंदर कि मुझे पता नहीं चला, मैं पीछे भी थोड़ा सा बोलने के चक्कर में कि मैं सामने बैठी हुई हूँ, और मैं बुक घुस गई थी। अब मैं देख रही हूँ कि दुल्हन का है। अच्छा अब ना समझ नहीं आया कि दूल्हा कौन सा था, अब दो दूल्हे के तीन भाई थे, हमें समझ नहीं आया दूल्हा कौन सा दुल्हन था। मैं कहा अम्मा दुल्हन का जो पिक्चर खिंचवा रहा है वही दूल्हा, मैंने देखा था दुल्हन का जो पिक्चर खिंचवा रहा था। मैं कहा मम्मा ये दूल्हा है, मम्मा किसी और को दूल्हा बता के बता रही थी। मैं कहा मम्मा नहीं ये दूल्हा है, हमें फिर बाद में जाके बहुत देर बाद जाके पता कि दूल्हा तो ये है। तो गाइस ऐसे बहुत होते रहते हैं। अभी हमारे देख ये देखे, अब भी फिर मैंने लिपसिंग शुरू कर दी। मैं भाई पागल हूँ गाइस, बहुत बड़ी मैं मुझे तो नहीं क्या है लिपसिंग करते रहती वो गाने की। और मतलब मेरे कज़न हंस रहते हुए खाए थे मुझ पर कि इसको हर गाना आता है। गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से वेन्यू दिखा दूँगी कैसा, मतलब इन्होंने सजाया हुआ था, और बहुत अच्छा सजाया हुआ था गाइस, अच्छा लगा था सजाया, मतलब अच्छा सजाया हुआ था इन लोगों ने।
यहाँ पर मैं कुछ मम्मा से बात कर रही थी, वो मुझे याद नहीं आ रही है मैं बात करती, तो फिर ना अभी मैं मतलब बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी, मैंने सोचा मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग बना लिया, वरना मेरा मैं ना मैं भूल जाती हूँ व्लॉग बनाना, और पता नहीं इस बार मैंने कितना अच्छा होता नहीं इतना लंबा व्लॉग कैसे बना रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैंने क्या कहते हैं और ये वीडियो करती थी मुझे मुझे स्टेट बन गई थी, मैंने उसको रिटेट नहीं किया था, तो अब यही अब ऐसे स्टेट ही रहेगी, क्योंकि अभी मैंने इसको करूँगी तो फिर वो हो जाएगा ना, अब देखे फिर मैंने अब मैं आपको अपने जिम के दिखा रही, अब मैंने रिंग सिखाई कि मैंने रिंग पहनी थी, और आप बताएगा कमेंट में जरूर कि मैं कैसी लग रही थी। यहाँ मैंने अपनी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी गाइस, क्योंकि मैं गाने के लिप सिंक कर जा रही थी, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी, लोग थक जाएंगे देखते देखते, और अब गाइस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लगना शुरू हो गई है, कोल्ड ड्रिंक कोको कोला थी और स्प्राइट थी, पर आई लव कोको कोला थी, तो अब मैं देखें मैं फिर गाने की लिप सिंक कर रही हूँ, कि आई लव मुझे मतलब वो होता है ना कि मतलब शादी में जाके लिप सिंक करना होता है, मम्मा को पता नहीं था कि मम्मा को मैं ले रही हूँ, मम्मा मुड़ी है मम्मा फ़ौरन उधर चली गई एक बार देख के, तो मम्मा को बताया नहीं था कि मम्मा को ले रही, मैंने खुद ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, मैंने कहा मम्मा मैंने इधर किया था, अच्छा जो मेरे पीछे वाली आंटी बड़ी थी ना वो सोच रही होंगी यार, मतलब मुझे तब देख मैं तब ब्लॉग करती मुझे देखे जाती थी, मैं पता नहीं क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, क्या कर रही है ये लड़की, किसी को क्या पता, और मैं अपने कजन्स को बोली नहीं कर रहा यार, वो मेरी पिक्चर खींचा था, मैंने उसको बोला यार तंग मत करो मुझे, तो वो तंग कर रहा था बारे में, मैं बोला तंग मत करो वो बहुत तंग करता है, और ये देखो ये बच्चे टॉफियाँ हमारी टॉफियाँ लेके चले गए, और कॉफ़ी भी ये देखे गाइस इतनी सारी टॉफियाँ आ गई यहाँ पर मेरे कजन्स उठा के ले आए थे, इतनी सारी टॉफियाँ थी यहाँ पर सारी ले आए मेरे कजन्स, और गाइस अब यह देखो ये सारी टॉफीज पड़ी हुई, गाइस दो सेकंड में टॉफियाँ खाली भी हो गई, सबने खा भी ली, सबको इतनी भूख लगी थी सब खा ली, बस मैंने दो ही खाई थी, अब बाकी मैंने बैग में रख दी थी, मैंने बाद का बाद में खाऊंगी मैं, और मैं किसी तरह अपने भाई को फिर से ले आई, और मैं आपको वेन्यू फिर से दिखा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था वेन्यू, और आप देख सकते हैं मेरे भाई से भी लंबा भाई है, एक अंकल यार इतने लंबे थे ये, मैं यही बोल रही हूँ उनकी हाइट कहीं गुजरी है, नहीं बोल पा रही थी क्योंकि यार मेरे कज़न बैठे मुझे अजीब लगा था, इसलिए मैं ज़ोर से नहीं बोल पा रही थी, और आप देख सकते हैं कि बस थोड़ी देर में बस खाना खोलने वाला था, बस अरेंजमेंट होने शुरू हो गई थी खाने की, और ये अंकल भी खाना ले आए थे, थैंक यू अंकल आप खाना ले आए जल्दी, और बहुत जल्दी नहीं शफीक अहमद रोटी खुल गई है, और यहाँ मैंने खाना खा लिया था, और मैं मैंने कोको कोला पी थी क्योंकि माय फेवरेट इसलिए, और अब हम जा रहे थे घर, मैंने सोचा घर जाते हुए कुछ थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं, और यार मुझे तो गुस्सा आया था क्योंकि जो हमारे पीछे वाले बैठे थे ना टेबल वो लड़की बहुत बदतमीज़ थी, और यहाँ मेरे कज़न मुझे बार बार हंसा जा रहे थे, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, और मैं अपनी ऐसी कंट्रोल करते करते थोड़ा व्लॉग बना रही थी, अब मैं अपने कज़न्स को खुदाफिस कर रही थी, गाइस मैं अपने घर आ गई थी, मैंने मेकअप वेकअप कुछ नहीं किया, अभी मैं सब धो कर अपनी स्किन केयर रखे बिकॉज ऑफ या मेकअप होता था स्किन थोड़ी सी, अगर मतलब मैं ना अच्छी प्रोडक्ट्स करती हूँ रिफ्लेम का, पर यार वो होता है ना क्या कहते हैं फिर भी यार कुछ तो होता है जम जम, तो इसलिए मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश पर मतलब फेस वॉश करती हूँ, हाँ सही है, तो अभी वो करेंगी फिर क्रीम अपने फेस पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाऊंगी, और मैं सोच जाऊँगी मैं सुबह स्कूल में जाना है, और सुबह मिला दी है स्कूल में, मैं व्लॉग बनाऊंगी, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग कैसे बनाऊँ, व्लॉग नहीं बना सकती सुबह गई, हुआ यह सीन है कि मुझे जाना अपनी बहन के घर, पापा ने कहा जब डायरेक्ट स्कूल से चली आने घर, कि मेरी बहन के घर जो ना वैन जाती है, मैं कहा वहीं पर मम्मा आने वहीं चले, मैं सब व्लॉग कंटिन्यू कर दी, तो मम्मा भी मगर भी बताएंगी मेरी बहन का मिला था, नो तेरे ना जब गाइस आपको मना लीजिए बहुत बहुत मुबारक हो, तो इसलिए तो आप देखते हैं गाइस अब हुआ ऐसा कि अब मैं कल ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, अगर मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया तो मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी, और वैसे मेरा प्लान है कि मैं अभी ये ब्लॉग अभी मैं ब्लॉग बनाना चाहती हूँ पर मैं डाल नहीं थी क्योंकि यार मुझे कल सुबह मैं थोड़ा सा एडिट कर लूँगी, दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या पहना है आपको, और अगर मैंने कुछ और रिपीट किया तो यार मतलब सूट रिपीट किया तो बोलेगा नहीं, तो भाई देखो हम इतने बड़े यूट्यूबर तो हैं जहाँ पे पी आर पैकेजेस मिलेंगे, और दूसरी बात हम इतना पैसा भी नहीं था, हम हर दिन नए ड्रेस पहने, हर दिन शादी के लिए और हर दिन स्कूल इवेंट के लिए, तो भाई नहीं मम्मा ने मिर्ची उर्ची दिलाई नहीं क्या दिलाया, तो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए, तो आप देख सकते हैं मैडम ने पहना है तरीके से बहुत अच्छा सूट है, और वैसे भी ये मैं रात में पहनने के लिए
परफेक्ट, तो इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं आपको मिलते हैं अपने नए ब्लॉग। तो गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, अगर कल ब्लॉग बनाया तो, वरना के परसों। खुदा हाफिज़।